छलनी पर मैं जो तस्वीरें बनाती हूँ उसमें छलनी का इस्तेमाल होता है और इसके साथ साथ धागे और सुई का इस्तेमाल होता है। मेरे लिए कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि मुझे पसंद है तस्वीरें बनाना, मुजस्मे बनाना। मेरा नाम अलमास खानम है। मैं मलकंड दरगई हरियाणकोट गांव से ताल्लुक़ रखती हूँ। 11वीं जुमात में पढ़ती हूँ। मैंने मुजस्मे बनाए हैं जो मिट्टी से बनते हैं, हम उसे मिट्टी से बनाते हैं, और छलनी पर तस्वीरें बनाती हूँ। तो उसमें मैंने बहुत सी ऐसी शख्सियात की तस्वीरें बनाई हैं जो हमारे माशरे के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं या फिर उन्होंने बहुत कुछ किया है। छलनी पर मैं जो तस्वीर बनाती हूँ वो तो जब मैं चाहूँ तो थोड़े वक्त में भी बना सकती हूँ, लेकिन छलनी जो होती है वो नज़र को बहुत ज़्यादा मुतासर करती है, आंखों को मुतासर करती है। तो तकरीबन 2 दिन में एक छलनी पर एक तस्वीर बन जाती है। शौक़ तो मुझे बचपन ही से है क्योंकि मैं एक ऐसे घर में पली बड़ी जिसमें मेरे बाबा जान जो है वो शायर हैं और मेरे सारे भाई मुझसे बड़े हैं, तो वो सब आर्टिस्ट है और शायर है, म्यूज़िशियन भी है। तो घर के माहौल से मुझ पर बहुत असर हुआ इन चीज़ों का और मैं भी आर्ट की तरफ आई। पेंटिंग वगैरह इनमें मेरा कोई ऐसा उस्ताद नहीं है जिन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे कुछ सिखाया है या मुजस्मे बनाना सिखाया है। मुजस्मे पहली बार हमारे घर में मेरे बड़े भाई कामरान खान अरमान ने बनाने शुरू किए थे। बस उन्हीं को देखकर दिल में शौक़ पैदा हुआ कि मैं भी मुजस्मे बनाऊं। तो पहला मैंने एक मुजस्मा बनाया, वो बहुत अच्छा लगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो ऐसा कोई उस्ताद नहीं है, लेकिन मैं ये बता सकती हूँ कि घर के जितने भी अपराध हैं सब मेरे उस्ताद हैं। यहाँ पर लड़कियों को मुश्किल से स्कूल जाने की इजाज़त मिलती है, तो फिर ये तो बहुत बड़ी बात है कि आप सोशल मीडिया पर आए और मुजस्मे बनाए, शायरी करें, पेंटिंग्स करें, तो ये बहुत बड़ी बात है। और हमारा माशरा और हमारा ख़ानदान एक मजहबी ख़ानदान है, तो बहुत सी रुकावटें थी और अब भी है, लेकिन मेरे घर वालों का साथ है मेरे साथ। हमारे माशरे में और भी ऐसी औरतें हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म की सलाहियतें रखती है और बहुत कुछ करना चाहती है, लेकिन उनके घर की तरफ से उन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिलता और उनका माइंडसेट ये है कि औरतें जो है वो घर तक ही महदूद रहनी चाहिए, उन्हें कोई हक नहीं बनता कि वो तालीम हासिल करे या फिर हुनर की तरफ जाए, आर्ट की तरफ जाए, बस वो अपने घर को संभाले, घर के काम काज करें। तो ऐसी औरतों को, ऐसी लड़कियों को तो मैं ये पैगाम देना चाहती हूँ कि तालीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तालीम के साथ साथ घर के कामकाज हो जाते हैं, लेकिन तालीम की कमी पूरी नहीं होगी जब तक हम स्कूल नहीं जाएंगे। हम जितने भी आर्ट करते हैं वो हम अपने घर में हमने सीखे हैं, खुद से सीखे हैं। तो ऐसा कोई इदारा नहीं है यहाँ पर करीब के हम वहाँ से आर्ट की तालीम हासिल कर सकें। तो एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए यहाँ पर और आर्ट गैलरी होनी चाहिए। सलामुना ओ नेक हेली, फूलों के शहर पिशावर से मैं हूँ तारिकुल्ला। अगर आपको हमारी ये वीडियो स्टोरी पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट के जरिए हमें अपनी राय दें और इसको दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मज़ीद दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए माटी टीवी को फॉलो करें।